खबर। क्षेत्र में फल फूल रहा है बाल अपराध, पीलीभीत से खबर। अब शिक्षक ही दे रहे हैं बाल अपराध को बढ़ावा। स्कूल के छात्रों से शिक्षक करा रहे हैं अपने घर के निर्माण का काम। मासूम छात्र अध्यापक के डर से करते हैं काम। पीलीभीत में बच्चों को पढ़ाई नहीं बल्कि उनसे निर्माण का काम करवाया जाता है और बच्चे टीचर्स के डर के चक्कर में बेचारे काम भी करते हैं। तस्वीरें देखिए, स्कूल की ड्रेस में बच्चे काम करते नजर आए। निर्माण काम कार्य उनकी तरफ से किया जा रहा है। के न्यूज में आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई नहीं बल्कि निर्माण कार्य कर रहे हैं और वो टीचरों के डर से कर रहे हैं ये कार्य। क्या इसी तरह से बढ़ेगा इंडिया? क्या इसी तरह से बच्चे पढ़ाई करेंगे? उनके हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए लेकिन उनके हाथों में समय निर्माण का कार्य थमा दिया गया है। बच्चे काम करते नजर आ रहे हैं और अध्यापकों के डर से वो ये काम कर रहे हैं। मासूम छात्र अध्यापक के डर से काम करने को मजबूर हो गए हैं। के न्यूज में एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मासूम बच्चे स्कूल की ड्रेस में ही निर्माण कार्य कर रहे हैं। आप खुद पूछ ले, तस्वीरें देखिए, स्कूल की ड्रेस में बच्चे काम करते नजर आ रहे हैं और छात्र काम कर रहे हैं लेकिन अधिकारी बिल्कुल चुप हैं। क्या इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा? मासूम बच्चे, आज बाल दिवस है और आज के दिन ये तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। बाल दिवस के मौके पर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, क्या इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा? मासूम बच्चे पढ़ाई करने की जगह काम करते नजर आ रहे हैं। टीचरों के डर से बेचारे काम करने को मजबूर हो गए हैं। के न्यूज में आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मासूम छात्र अध्यापक के डर से काम करने को मजबूर हो गए हैं और इसी खबर पर हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। देवेंद्र, इस तरीके की तस्वीरें वायरल हुई हैं, कोई अधिकारी कुछ बोल नहीं रहा है, टीचरों के डर से बच्चे काम करने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, डिजिटल पीरियड के टीचर को तहसील का मामला है जहाँ सरस्वती विद्या मंदिर जो आरएसएस का स्कूल जो है कहा जाता है उसमें ये वहाँ टीचर ये तैनात हैं और वहीं के ये अध्यापक क्या नाम बच्चों से काम करा रहे हैं घर पे ले जाकर। और जब टीचर से बात की टीचर का कहना है कि बच्चे अपनी खुशी से काम कर रहे हैं ये जो है। और प्रधानाचार्य से भी बात करना कि उनके जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं उनसे बात करना चाहें तो उन्होंने भी यही कहा कि बच्चे अपनी जो है अनुमति के अनुसार जो है वहाँ काम कर रहे हैं और बाकी सब जो है वही दोनों एक ही बात कहते बच्चे नजर आए। जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। सरस्वती विद्या मंदिर की ये पूरी घटना है जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल की ड्रेस में बच्चे काम करते नजर आ रहे हैं और जब प्रधानाचार्य से बात करने की कोशिश करी गई तो उनका कहना था कि बच्चे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो क्या बच्चों का जो मन होगा वो बच्चे करेंगे? बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आपका क्या फर्ज है, टीचरों का क्या फर्ज है यहाँ पर? क्या टीचरों का यही फर्ज है कि बच्चे काम करें और स्कूल की ड्रेस में? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि स्कूल की ड्रेस में बच्चे नजर आ रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल की ड्रेस में बच्चे निर्माण कार्य करने को मजबूर है क्योंकि उनको टीचरों का डर है। और जब प्रधानाचार्य से बात करने की कोशिश करी गई तो उनका कहना था कि बच्चे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो क्या उनका यही फर्ज है कि वो बच्चों से काम करवाएं या फिर उनको शिक्षा दें? क्या इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा? मासूम बच्चे स्कूल की ड्रेस में काम करने को मजबूर है, शिक्षा नहीं दी जा रही, उन्हें काम करवाया जा रहा है उनसे। अपनी इच्छा से आए, सुन लो हमारी बात, ठीक है? कोई इसमें जोर जबर आप खुद पूछ ले, कोई जोर जबरदस्ती है वाल को? कोई भय है?